अभी थोड़े दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मेरी फुट मूवमेंट के साथ मैं बताऊंगा कि ब्रेक और एक्सेलरेटर को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और बारिश भी थी उस वीडियो में, तो मेरी गलती की वजह से वो अच्छी खासी वीडियो मैंने एडिट कर रखी थी और मुझसे डिलीट हो गई। आज दोबारा बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करी थी उस वीडियो में बनाने में, खासकर एडिटिंग में, तो दोबारा बनानी पड़ रही है। तो ब्रेकिंग का पता है मेरा क्या तरीका होता है? ये होता है कि अगर मैं 100 की स्पीड पे भी हूँ, अचानक सामने कोई आ जाए, मेरे साथ 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, तो उनको दिक्कत ना हो, अचानक जो जर्क आता है ना झटके से ब्रेकिंग करने में, वो ना आने दूँ मैं अपनी वजह से, तो वो मेरा एक तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ। तो मेरा क्या तरीका होता है वो मैं ब्रेक का बता देता हूँ, ठीक है। तब तक आप मुझे ऐसे इमिटेट ना करें, मतलब आवाज़ ऊपर कर लेता हूँ, मुझे इमिटेट करने की कोशिश ना करें कि ये ऐसे चला रहा है हम भी ऐसे चलाएंगे। जब एक्सपीरियंस हो जाए ना आपको तब चला लेना, अभी ऐसे इमिटेट मत करना। मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ थोड़ा सा हाई स्पीड के ऊपर आप गाड़ी को कैसा कंट्रोल करते हो गाड़ी गलियों में भी, ठीक है। तो देख लेना मेरी फुट मूवमेंट, आप देखो। एक मुझे डाउट आया था, अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ। सामने स्लोप है, घर से गांव से गली से कैसे भी निकल रहे हो राइट जाना है, स्लोप है, मेन रोड है, व्हीकल आ सकते हैं, धीरे जाओगे गाड़ी बंद हो सकती है, आपको क्या करना है ध्यान से देखना और सुनना। मैं क्लच का रिस्क लेता ही नहीं हूँ, क्लच यहीं मैंने छोड़ दी, खाली एक्सेलेटर 5-7 की स्पीड है। आप जितना राइट देख सकते हो जितना लेफ्ट देख सकते हो, खाली एक्सेलेटर, कम पड़ रही है रेस ज़्यादा दे दो, ज़्यादा पड़ रही है कम कर दो, ये हेलो हो गया। ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, जहाँ लगे कि क्लच कम ज़्यादा छूट रही है क्लच का यूज़ ही मत करो, पहले क्लच छोड़ दो उससे, और खाली रेस के ऊपर। ये मेरी फुट मूवमेंट देख लेना, ये पैर जो ये एडी है राइट वाली, ये हमेशा यही रहेगी, ब्रेक और रेस के ऊपर चलेगी, और ये प्लेसमेंट होती है फुट प्लेसमेंट, अगर किसी को नहीं पता देख लो। उस दिन यार बढ़िया वीडियो बनी थी, मैंने एक दो रील भी डाली थी कि बारिश हो रही है अच्छा सा लग रहा है, लेकिन यार वो वीडियो मेरी गलती की वजह से डिलीट हो गई, दिमाग सा खराब हो गया। चलो अब बता देता हूँ, देखो स्पीड हैज नो यूज इफ यू कांट कंट्रोल इट, मैंने अपने एक बार पहले भी वीडियो में ये बताया हुआ था। उसका मतलब क्या होता है, भगा सब लेते हैं लेकिन जो कंट्रोल कर लेता है ना उसे ही ड्राइवर कहा जाता है, क्योंकि भगा तो एक बच्चा भी लेगा, पंजा दबा देगा, लेकिन पता नहीं ना रोकनी कैसे है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जितना हो सके क्लच का यूज़ कम कर दो, एमरजेंसी के केस में मैं बता रहा हूँ, जब भी स्लो डाउन करोगे क्लच ब्रेक का क्या रिलेशन होता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनी थी, जाके देख लेना, लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो पहले पूरी करनी है, सपोज अभी ये जो ये होता है ना बहुत जल्दी स्विच होती है, मेरे साथ आज तक एक बार भी नहीं हुआ पिछले 10 साल में कि ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दब गया। अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस करो यार, किसी की जान को जोखिम में मत डालना आप रोड पे अगर जा रहे हो, तो ये गलती कभी मत करना, प्रैक्टिस करो, फुट प्लेसमेंट आप देख लेना, ठीक है। अब सपोज 100 की स्पीड है, चलो 100 पे लेके जाता हूँ मैं ब्रेक के ऊपर, ये नहीं है कि पूरा कूद गया ब्रेक के ऊपर, पंजा दबाई दिया खींच के रोकने के लिए, वो मैं नीड के अकॉर्डिंग करता हूँ। जब भाई ऐसा होगा कि भाई अब तो जान का सवाल है, रोकनी है, तब पूरा ब्रेक, अदरवाइज मैं तरीका क्या वो बता देता हूँ। चलो 90 पे सपोज कुछ सामने आ गया मुझे रोकनी है, तो ब्रेक दबा छोड़ के मैं फिर दबा देता हूँ, और फिर दबा दिया। ABS गाड़ी में भी मैं ये चीज़ करता हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, समझ नहीं आया होगा। ब्रेक में दबा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक दबा दिया, हल्का सा छोड़ के फिर दबा देता हूँ, ताकि अचानक जो झटका आता है ना वो ना लगे, समझ गए। फिर दिखा देता हूँ, मान लो आगे लोग बैठे वो तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, पीछे बहुत कम लोग लगाते हैं, तो उनके सर सीट में आके ना लगे अचानक ब्रेक लगाने की वजह से, तो उसके लिए ये चीज मैं अपनाता हूँ अपनी गाड़ी में। सीधी होने दो फिर बताता हूँ, पीछे कोई नहीं है, लगाया छोड़ के फिर दबा दिया और फिर दबा दिया, ये चीज़ मैं करता हूँ, और रुक भी जाती है, मैं रोक देता हूँ, अभी बता दूंगा। फिसलन के जगह में भी मैं इतनी हार्ड ब्रेकिंग कर देता हूँ फिर भी टायर के खिसने की आवाज़ नहीं आती है। चलो मैं आवाज़ सुनाऊंगा, भगा ली,
ठीक है। थोड़ी हवा आ रही है, ऊपर करते हैं, ऑडियो खराब हो जाएगी वरना। फिर से मोड़ के बता देता हूँ, ये था ब्रेक का, एक्सेलेरेटर का कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। पहले ब्रेक का ही पूरा करते हैं नक्की। क्लच पैर को, जो क्लच वाला पैर है उसे जितना रख सकते हो साइड में उतना उसे साइड में रखो। बार बार दबाओगे क्लच भी खराब करोगे, ओवर द टाइम लाइफ थोड़ा बहुत तो कम कर ही दोगे, अभी नहीं कर रहे हो तो, और बार बार माइलेज तो ड्रॉप कर ही रहे हो। इसलिए या तो ये पैर को पीछे रखो, अगर डेड पैडल है तो साइड में रख लो, सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर बता देता हूँ। मान लो कोई आ गया ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए, गाड़ी घुमा लेते हैं। ब्रेक लगाने का भी एक तरीका होता है, कई बार आप नीड से ज़्यादा लगा देते हो, कई बार नीड होती है उससे बहुत कम लगाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो फुट स्विच मूवमेंट होती है ना, फुट स्विच करते हो आप, ये मूवमेंट होती है बहुत क्विक होनी चाहिए, और ये एक टाइम के बाद आ जाता है। टेंशन मत लेना कि अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे होगी। आप जैसे एक आध लोगों की वीडियो देख लेते हो जिनकी फुट मूवमेंट अच्छी होती है, फुट प्लेसमेंट अच्छी होती है, आप सोचते हो नहीं यार मेरी कैसे हो पाएगी, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, वो भी पहले दिन ही नहीं शक्तिमान बन गए थे। ठीक है, अब फिर से दिखा देता हूँ, रोकनी है ये छोड़ के फिर दबा दो, और ये नहीं छोड़ना दबाना नहीं, एक बार छोड़ के दूसरी बार फिर दबा सकते हो पूरा, फिर दिखा देता हूँ ये। अदरवाइज रोड़ियां थी, गाड़ी स्किड करती है अगर मैं खींच के ब्रेक मारता तो, समझ गए। और फुट मूवमेंट का यार मैंने इस वीडियो के लिए तो जुगाड़ कर ही लिया, मेरे पास एक SJ कैम था, SJ 4000, जो मैं अपनी ओल्टो में लगाता था पहले, तो वो पड़ा हुआ था तो वो मैंने निकाला कि चलो यार इसको यूज़ करके देखते हैं फॉर फुट मूवमेंट। तो मुझे पता नहीं कितना हेल्पफुल था। और चलो ब्रेक का हो गया। देखो यार एक्सेलेरेटर का ऐसा होता है, जब गाड़ी थोड़ी बहुत स्लो डाउन करनी हो, कोई गड्ढा है थोड़ा ऐसा, मान लो ढलान सी आ गई, जैसे अभी कोई सामने आएगी तो बताऊंगा, हर बार ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का मोमेंटम आप तोड़ते हो दिक्कत होती है, ठीक है, बार बार ब्रेक पैड्स भी घिसती हैं जो डिस्क पैड होती हैं, और फिर माइलेज तो ड्रॉप करवा ही देते हैं, और आदत भी ठीक नहीं है। एक्सेलेरेटर छोड़ दो स्लो डाउन हो जाती है हल्की सी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टर्न के ऊपर आप ऐसे घुमा दोगे, नहीं ऐसा नहीं। ट्रैफिक है हल्का, मान लो यहाँ तो नहीं है वैसे, बता रहा हूँ वीडियो मैंने बनाई हुई थी कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप कैसे चलाते हो। रेस दी, छोड़ दी, फिर से रेस दिया, अब लग रहा है यहाँ से कोई निकल सकता है, रेस से पैर हटा के ब्रेक पे इशारे के लिए रख लो कि अगर कोई आ गया तो मैं दबाने के लिए तैयार हूँ, समझ गए। ये टैक्टिक्स होती हैं अच्छी ब्रेकिंग की। सपोज़ ये पंप है, ऑन दबा दिया ब्रेक के ऊपर पैर कि अगर कोई आ गया तो ब्रेक के लिए तैयार हो। ये झील है जैसे थोड़ी सी, मान लो तो निकल गई वापस एक्सेलेरेटर, हर बार ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के ऊपर इशारे के लिए रख लो कि हाँ अगर कुछ आ गया तो मैं दबाने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो जो ये स्विच जो होता है ना तरीका कि ब्रेक की जगह एक्सेलेरेटर दब गया, ये चीज़ वहाँ नहीं होती है, इसे आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। जहाँ लगता है कुछ आ सकता है, कोई क्रॉस कर सकता है रोड को, तो एक्सेलेरेटर से पैर हटा के ब्रेक के ऊपर, मतलब दबाना नहीं है, इशारे के लिए ऐसे रख लो कि अगर कोई आ गया तो, ठीक है। और अब मैं अपनी फुट मूवमेंट एक और दिखा देता हूँ कि मैं क्लच का कैसे मिनिमम यूज़ करता हूँ, तेज चला के भी। जहाँ ज़रूरत नहीं होती मैं गियर डाउन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे क्लच दबानी पड़ेगी दो बार, एक बार डाउन करोगे फिर अपशिफ्ट करोगे। ठीक है, मोड़ पे ओवरटेक कभी मत करना। अगर भाई दिख गया आगे तक कि कुछ नहीं है, तो जैसे यहाँ मुझे दिखाई दे गया तो कर सकते हो। क्लच का मैं यूज़ ही नहीं करता, देख लो मुझे अभी गाड़ी स्लो डाउन करनी है, खाली ब्रेक से लेके थर्ड गियर में थी, वापस उठा ली उसी गियर में। तो जितना हो सके क्लच का कम यूज़ करो, क्लच के पास जितना पैर रखोगे उतने बार दबाने की ज़रूरत पड़ेगी।
थोड़ा सा स्लो डाउन करके राइट में, क्योंकि इसके आगे से अचानक कुछ आ सकता था जैसे बाइक आई। ठीक है, ये देख लो अभी मैंने अब जाके ब्रेक दबाए कितनी स्पीड पे मैं आ गया था। और ब्रेकर का भी चलो बता देता हूँ, फर्स्ट गियर में खाली क्लच से उठा सकते हो, ज़्यादा लोड हो तो अलग बात है, फिर खाली क्लच से इतनी उठ जाती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, और एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अभी मुझे राइट टर्न लेना है, स्लोप है, डरने वाली बात नहीं है, वही बात है स्लोप पे कैसे चढ़ाना था खाली एक्सेलेरेटर के साथ। अब थोड़ा ध्यान से देख लेना, धीरे करके दिखा देता हूँ। मैंने यहीं पे पहले गियर में डाल के ये लो क्लच छोड़ भी दी अच्छे से देख के, अब रेस दे दो, देते चलेगा जितनी ज़रूरत थी, गाड़ी को झटका भी नहीं लगा ज़्यादा, हूँ वो भी नहीं रहा, आरपीएम भी नहीं बढ़ने दी है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये रैंप है मतलब स्लोप है, और मेरी गाड़ी के हिसाब से नैरो भी है, तो खाली एक्सेलेरेटर के ऊपर कोई ब्रेक नहीं, कोई क्लच का यूज़ नहीं, स्लोप है, कैमरा में शायद ना दिखाई दे रहा हो, तो धीरे धीरे दोनों साइड देख देख के। ठीक है, ये तरीका होता है ब्रेक एक्सेलेरेटर को कंट्रोल करने का। इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, कुछ ना समझ आए तो भी बता देना, हो सकता है मैं दोबारा बना दूं, हो सकता है कमेंट्स में जवाब दे दूं। थैंक यू।